हाँ, सो तो दैट अभी हम वाज बातें कर रहे थे श्रीरिश थोरा जी से। अब जी, अंग्रेजी से हिंदी पे आ जाते हैं। बहुत अंग्रेजी बोली तुम, बिल्कुल बिल्कुल। जबान ये हो गया भाई। दो तीन चीजें लवली जी, रिचा जी, मैं ऑडियंस को बता दूं। सी, ऑडियंस हमेशा ये मत सोचिए कि कोई भी आके हमें इसी बात पे बोलेगा कि इसके साथ गलत हुआ या सुशांत के साथ गलत हुआ। सुनिए मेरी बात, सुनिए, हमें सिस्टम के अंदर की बातों को जानना बहुत जरूरी है। जानना और ये ऐसे लोग हैं जो 25-25 साल से अपने सिस्टम में बैठे हैं। सम प्रोटोकॉल की वजह से वो हमें कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अगर एक दो बातें भी हमें पता चल गई, सपोज एक दो बातें भी, तो भी हम उससे लड़ सकते हैं, उसका तथ्य निकाल सकते हैं और हमारे दिमाग में वो फ्रेम कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो दैट मीन्स हमें कभी ना कभी ये दो चार बातें भी हमें लड़ने के लिए काम आ सकती है। याद रखिए, जब तक भगत सिंह वहां जलियांवाला बाग में खुद वहां पे पूरे जगह पे नहीं गए थे, तब तक उन्हें पता नहीं था कि मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे खड़े रहना है और किसके सामने खड़े रहना है, किसके साथ खड़े रहना है, तभी ये लोग का नाश होगा। तो मैं वही कहती हूँ कि हमें सिस्टम से लड़ना है, हमें ऐसे लोगों से नहीं लड़ना है, हमें उस सिस्टम से लड़ना है जिस सिस्टम ने इतने सालों से इतनी गंदगी मचा के रखी है, इतनी धांधली मचा के रखी है। अगर आपको सिस्टम के अंदर की बातों का पता होगा तो ही आप उससे लड़ सकते हो, तो ही आप इन पॉलिटिशियन पे प्रेशर बना सकते हो, तो ही आप कर सकते हो कि अरे जब वो आए थे तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब आप पॉलिटिशियंस के सामने बोल सकते हो कि सर एक पुलिस एम्प्लॉय ने हमारे सामने ये बातें बताई, तो क्या ये बातें सही है या ये बातें आपने इस तरीके से, कि हमें आंसर पूछने के लिए भी हमें उस गटर में उतरना पड़ेगा जिस गटर में इतनी सारी गंदगियां हैं। तो यही रीजन है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जहां भी हमें मिलता है कि किसी के साथ किसी का कनेक्शन है। अगर हम उस कनेक्शन से अगर हम रूबरू हो जाएं, हमें पता चल जाए, अब हमें ये बात तो पता चल गई कि सचिन वाजे इतने सालों तक अनएम्प्लॉयड थे और वो अनएम्प्लॉयड के साथ साथ क्या कर रहे थे, अपनी निजी जिंदगी में क्या क्या कर रहे थे, इससे हमें पता चलेगा उसके स्वभाव का, इससे हमें पता चलेगा कि हमें आगे किस तरीके से लड़ना है। ये सब हमारे लड़ाई के हथियार हो सकते हैं, और बिल्कुल, इसीलिए मैं जितना भी हो, हम सब ये नहीं चाहते कि बात सचिन वाजे तक रुक जाए। हमेशा हम ये बिल्कुल चाहते, तो बार बार वो यही बात कह रहे थे कि सचिन वाजे ने ये अकेले नहीं किया है। तो आप यस बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं सबसे फीडबैक लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगा आज के सेशन के बारे में। वी कैन स्टार्ट विद सचिन जी। सचिन जी, या गो अहेड। सचिन जी, आप ही फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत हाय टू कीजिए। एवरीवन। थैंक हाँ यू, थैंक यू हाय मैडम। सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय टू एवरीवन, हाय टू ऑल द लवली लेडीज। थैंक यू। मैडम, मैं एक्चुअली अभी अभी जस्ट यूट्यूब पे ज्वाइन किया था। आई डिड नॉट सी दिस एंटायर सेशन बिकॉज आई हैड सम पावर कट इश्यूज, ओके एंड मैं कमेंट्स पे देखा था तो पीपल आर सेइंग इज दिस अ जोक। आई मीन आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट सीन द एंटायर सेशन, बट इट लुक्स लाइक द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द आंसर्स ऑफ योर गेस्ट। अरे वो नहीं देंगे, ही इज वर्किंग विद द सिस्टम, अंडरस्टैंड, हमें तो यही ही तो एक्चुअली लुक, ही इज आउट ऑफ द पुलिस फोर्स। इट वर्क इज हिज पर्सपेक्टिव। सचिन वाजे इज करता हिज फ्रेंड, सो इट इज हिज पर्सपेक्टिव। ही नेवर सेड दैट सचिन वाजे इज नॉट गिल्टी। ही सेड दैट ही इज गिल्टी ऑफ द थिंग्स दैट ही हैज डन। सो आई मीन इट्स आई ऑलवेज से दिस दैट यू डू नॉट हियर व्हाट यू ऑलवेज एक्सपेक्ट टू हियर। सो व्हेन समबडी इज सेइंग वी शुड आल्सो ट्राई टू लिसन टू देयर पर्सपेक्टिव। अरुण सिंह जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं लवली जी, हाय सबको। हाँ वैसे हेलो। सेशन तो बहुत अच्छा था, और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी कुछ मजबूरी होगी, वो पूरा पूरी चीज नहीं बता पाएंगे वो तो। पर ओवरऑल सेशन ठीक ही था। हमारा काम तो क्वेश्चन पूछना है, बिल्कुल। हम तो अपना क्वेश्चन पूछेंगे ही। हमारी जो दिल की भड़ास है वो तो हमने पूरा कर ही दिया है, और बाकी तो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे देखिए हैं, हम तो जनता हैं और हम सवाल तो जरूर सामने रखते ही हैं। अब दूसरे को क्या जवाब देना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं हमेशा हम एक बोलते हैं चीज ये उनका कहना चाहती हूँ पर्सपेक्टिव है। कि कितने लोग सचिन वाजे को इससे पहले से जानते थे, कितने लोग जानते थे। जब ये केस हुआ, सुशांत का केस हुआ, हालांकि मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इन लोगों को जानने में,
लेकिन मैं लिटरली जानना चाहती हूँ कि ये अपने पर्सनल नहीं, लाइफ में तो हमें अगर नहीं, बाजे तो अर्नब अर्नब के केस से अर्नब के अरेस्ट के बाद फेमस हुए। नहीं, yes. नहीं, मैं साधी प्रज्ञा के टाइम से ही नाम सुना था मैंने, जो साधी प्रज्ञा पे इन्होंने इलीगल तरीके से इनको गिरफ्तार किया था और इनको टॉर्चर किया था, परमबीर सिंह हो या yes. वाजे हो, मैं नाम सुन, मैंने इन लोग का नाम सुना था मैंने कि परमबीर सिंह yes. थाने कमिश्नर है, मैं सिर्फ नाम सुना था, बाय फेस मैंने कभी देखा तो नहीं था मैंने। तो जब ये अभी घूम फिर के आए ये गैंग वाजेपुर, तब मालूम पड़ा कि ये वही है। अरुण जी, मैंने आपका सवाल पूछ लिया था। अरे मैं तो मैडम सॉरी, बट मैंने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, मैंने अभी तक सवाल नहीं पूछा है। मेरा सवाल ये है कि इतने सारे फोटोज है महानालायक के, अनिल मुसर्रत के साथ, नबील मुसर्रत के साथ, अक्षय कुमार तो गाड़ी चला रहा है इनको लेके। अब कोई गाड़ी तो बाय मिस्टेक नहीं चलाएगा ना, कि अक्षय कुमार ड्राइवर बन गया इन दोनों का। सचिन जी बिल्कुल, तो उन्होंने देखिए, उन्होंने बोला कि जब हमने उनसे डेविड हेडली और महेश भट्ट के बेटे के बारे में पूछा तो ही ओपनली सेड दैट यस दैट इज ट्रू, क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च किया हुआ है। अब मैंने पूछा टोनी अशाई अनिल मुसर्रत के बारे में तो उन्होंने बोला कि ये नाम अभी मैं नहीं जानता हूं। तो ही इज अ पर्सन जो कि पूरा रिसर्च करके ही बोलते हैं, तो जो बात उनको नहीं पता थी उसमें उन्होंने बोल दिया कि ये मुझे नहीं पता है। मैडम मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा, मैडम मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, हाँ, अगर आपको रियल आंसर्स चाहिए बॉलीवुड के नेक्सस के बारे में तो आपको इनवाइट करना चाहिए आरवीएस मनी जी को, जो वरुण के शो में आए थे आज। ओके सचिन, यू आर माय फेवरेट। बिल्कुल, तो आप जब भी आप लोग बोलते हैं आप किसी का भी नाम, हम कोशिश करते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने का, उनको बुलाने का भी। तो हम आरवीएस मनी जी को भी जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे और बुलाएंगे। लीना जी गो अहेड। या आई वाज लिसनिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड विद सम डिसएग्रीमेंट्स और सम थिंग्स व्हिच मे बी ही इज नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ टू से फ्रैंकली, इफ यू फॉरगेट दैट देन अदरवाइज द सेशन वाज लाइक व्हाट ही सेड वाज वेरी मच बैलेंस्ड, वेरी मच रैशनल एंड वेरी मच ट्रू टू व्हाट ही नोज एंड या सो एक मतलब अभी जैसे हो गया ना कि वाजे का वाजे को पकड़ा तो सारे टूट पड़े वाजे पे जैसे, बट लेकिन रूपल जो कह रही थी कि वाजे तो खाली सामने आया हुआ नाम है, हाँ, उसके पीछे कोई और है, मतलब हम अपना सारा गुस्सा वाजे पे मत, थोड़ा बचा के रखो, रादर रादर 90% बचा के रखो, क्योंकि वाजे क्योंकि अगर आज ही कहानी वाजे पर खत्म हो जाएगी तो कल दूसरा वाजे आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो ये जो मुझे आज का जो उनका कहना है, सी जिसने भी एक आध आदमी के साथ इतने साल काम किया है तो थरली वो जानते होंगे उसको, तो वही वो भी कह रहे हैं कि ये स्टुपिडिटी हो गई कि ऐसा किसे किया उसने इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद, तो कुछ तो उसमें जैसे कहते हैं ना वो लोचा है कुछ तो, और वो लोचा ढूंढना पड़ेगा क्या लोचा है। मैं ब्रिजवानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ब्रिजवानी हाँ। जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें कमेंट्स में भी सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला कि व्हेन ही वाज अनएम्प्लॉयड बिकॉज वो सस्पेंशन पे थे, तो कोई भी आदमी जब इतना एक्सटॉर्शन का पैसा वगैरह करता है तो वो क्या पहले से थोड़ी ना प्लानिंग करता है। आप मेरी बात सोचिए, वो बुक लिखने की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं कैसे करूं। सुन लो, जब जब उनका रीइंस्टेटमेंट मतलब जब उनको वापस लिया गया तो उनको किस पर्पस से वापस लिया गया, देखो मेरी बात सुनो, उनको किस पर्पस से और किसने लिया, पहले तो किसने लिया, गवर्नमेंट ने लिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है, तो दैट मीन्स उसको वो शय कहां से मिली, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे कुछ काम करवाना चाहती थी, इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, तो हमें उस कड़ी को ढूंढना है, हमें उस कड़ियों को मिला के ढूंढना है कि हम किस पे प्रेशर बना सकते हैं। अगर हमें वो चीजें पता नहीं होंगी और हम सिर्फ ये बोलेंगे अरे वाजे तो ऐसा ही है, अरे परमवीर तो ऐसा ही, तो वो बात वही खत्म हो जाएगी। हमें अरे तो रूपल लिए कड़ी तो सामने ही है, सामने है, सब कुछ सामने दिख रहा है। जब ऐसा ऐसा जब सुनिए सुनिए रूपल जी, जब सुनिए, ऐसे बंदे को, एक मामूली पुलिस ऑफिसर को जब सीएम बंगलो का एक्सेस है, वो सीएम बंगलो को यूज करता है,
वहां रुकता है, वहां से अपनी एक्टिविटी यूज करता है, तो सीधी सी बात है ना। तो और सुनिए, और ये सचिन वाजे जो था शिवसेना का प्रवक्ता था, ये 17 साल शिवसेना में ज्वाइन किया था, और 2017 में देवेंद्र फडणवीस के पास में ये रिक्वेस्ट ले गए थे इसको रिइंस्टेट करो, और देवेंद्र फडणवीस रहा हॉनेस्ट आदमी। हाँ, तो उन्होंने बोला था इम्पॉसिबल रिइंस्टेट करना, इस बार भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के हां के बिना ये रिइंस्टेटमेंट नहीं हुआ होगा। लवली और लवली जी, मैं आपको बताता हूं, मैं जब 2019 से इलेक्शन हुआ तो और एनसीपी मोदी साहब के पास गए, शरद पवार वगैरह सब लोग गए, और उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट देंगे पर आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री मत बनाइए, क्योंकि उनको पता है ये बंदा है ईमानदार आदमी है, ये किसी सुनने वाला है नहीं। तो लाया कौन है इनको? शिवसेना ने लेके आया है। अभी एनसीपी बोलते हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, कड़िया सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऊपर तक बात जाए, और जो लोग जनता को तो दिखाई दे रही बात, जनता तो देख रही है इस बार, दैट इज गुड। मैं धनंजय कुमार जी को बोलूंगी। हाँ अरुण जी, अपनी बात पूरी कीजिए। वही मैं नहीं, एक बार सुप्रिया सुले ने शरद पवार की बेटी ने कहा था कि अकेले देवेंद्र फडणवीस क्या कर लेगा कुछ महीने पहले, तो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखा दिया कि अकेले वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल धनंजय कुमार जी। हाँ लवली, सभी लोग को मेरा नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, जय श्री राम। हाँ जय राम, हाँ हनुमान। तो हनुमान के बारे में एक दो लाइन मैं बोल दूं ना, जो हम लोग को जीवन में अपने उतारना चाहिए। हनुमान एक सेवक है और राम उनके आराध्य हैं। तो हनुमान का मतलब होता है हन अमान, मतलब हन मतलब हत्या करना, मतलब और अमान मतलब जो व्यक्ति मान मर्यादाओं से ऊपर हो जाता है, मतलब उसको खत्म कर देता है, उसके ऊपर ना किसी मान का वो से कुछ खुश होता है, ना अपमान से वो मतलब खींच जाता है उससे, तो वो व्यक्ति हनुमान का स्टेज में हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा है कि हर व्यक्ति आप लोग एकदम मान और अपमान से ऊपर जो अपना कर्तव्य है, भावुकता में भी किसी के नहीं बहना है, भावुकता में बिल्कुल नहीं, और भावुकता से ऊपर कर्तव्य को जो सत्य है जो लग रहा है उसके पीछे टूट पड़ना है एकदम, भावुकता के नहीं कि। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, और मैं सबको बोलूंगी आज हमारे मतलब कमेंट्स में ट्रोलिंग होती है, ट्विटर पे ट्रोलिंग होती है, तो मान अपमान से सबसे ऊपर उठ करके, लोगों के शब्दों के बाण से ऊपर उठ करके अपने काम में लगे रहना है। बिल्कुल, तो वही कहा है कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, और कर्तव्य निभे सच्चे निष्ठावानों से, दीपक जलने की रीत नहीं जो डर भागे तूफानों से। तो भावुकता से अपना आप लोग जो है एकदम मतलब कर्तव्य को बोध चलना है, भावुकता में नहीं बहना है किसी के, ना ये जो व्यक्ति आया था एकदम एक मतलब सेंसलेस व्यक्ति आ जाया था, बिल्कुल सेंसलेस, मतलब उसको सच्चाई के प्रति अपने देश के प्रति उसको एक एंगल हमको नहीं लगा कि कुछ हित में भी सोचता होगा। अरे प्रोटोकॉल है तो तुम मत आ यहाँ प्रोटोकॉल में, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए आने की जरूरत ही नहीं है, जो जिसमें हिम्मत ना हो, जिसमें साहस ना हो, एक मतलब कायर लोग कैसे यहाँ बुला लेता है कायर लोग को, ऐसे लोग को कायर बोलते हैं एकदम। करूंगा धनंजय जी, अभी आपने हनुमान का डिफाइन किया यहाँ पे, वो ये बराबर नहीं है। अच्छा पाटिल जी बोल रहे हैं, पाटिल जी को बोलने दीजिए, पाटिल जी अच्छा अपनी बात बोलिए। पाटिल जी बोलिए। इस बात पे धनंजय जी की इस बात पे मैं डिसएग्री करूंगा कि वो यहाँ नहीं आए थे, उनको हमने इनवाइट किया था, हमारे प्लेटफॉर्म ने इनवाइट किया था, तो हमें हर व्यक्ति की हर व्यक्ति के मान सम्मान का ख्याल रखना है। उन्होंने अपने व्यू रखे, ठीक है, मैं भी मानता हूँ डिप्लोमेटिक थे उनके व्यू, लेकिन एक चीज मैं आपको भली भांति बता दूं, मेरे वर्ड शायद थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे आपको, लेकिन अपनी माँ को डाकन कोई नहीं कहता है, अपनी माँ को डायन कोई नहीं कहता है। तो अगर उनका एक दोस्ताना था वो ठीक है, उन्होंने खुद भी कहा कि उन्होंने बेवकूफी करी, बट नहीं राम सॉरी पटेल साहब, भारत अपनी माँ को सीधे डायन सबसे सम्मोहित रामायण में किया है, जो ऐसा काम करेगा तो कहना पड़ेगा। नहीं नहीं देखिए, उन्होंने भारत के लिए प्लेटफॉर्म पे वो आए थे, वो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने इनवाइट किया है, वो हमारे घर पे नहीं आए थे कि भाई मुझे ले लो मुझे ले लो मुझे ले लो, हमने इनवाइट किया, उनको रिक्वेस्ट किया। एक बार हम ये कह सकते हैं
एक बार हम ये कह सकते हैं आप और हम या बिन बुलाए मेहमान है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन उन्हें हमने बुलाया था। नहीं नहीं आप अपने आप को भी बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल मत बोलिए, हम तो बिल्कुल सेना है एक। मैम प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स अदर वे, मैं एक आई एम जस्ट जनरल एग्जांपल दे, एग्जांपल दे। अच्छा पाटिल साहब आप उनके कितने कन्वर्सेशन से लगा है कि आप वो देश हित में एकदम स्ट्रिक्ट है, मतलब चाहे परिणाम जो भी हो, मतलब कुछ भी उनका हमको तो एक भी स्टेप नहीं लगा कि जो मैंने इसीलिए बोला कि उनके वर्डिंग्स डिप्लोमेटिक थे, वो कहना बहुत कुछ चाहते थे, उनके व्यूज बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एक जिम्मेदार, एक जिम्मेदारी उनकी उनके प्रति भी है, और देखिए वो उसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं। लवली मैडम ने भी वही कहा कि चूंकि आप उस डिपार्टमेंट के आदमी रह चुके हैं तो हो सकता है आपके कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगी बोलने में, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, इट्स अ डिप्लोमेसी। चलिए हम धनंजय जी वर्डिंग से अगर आप कहेंगे ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ऐसा लगा तो हम उनकी भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। नानी जी बहुत देर से जुड़ी हुई है, नानी जी क्या कहना चाहती हैं आप? दोनों ही धनंजय अपनी जगह पे सही थे, लेकिन नानी जी ठीक है अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। हाँ लेकिन हम अपने घर आए मेहमान को हम अपनी वो क्यों चेंज करें, हमको रेस्पेक्ट देनी है उनको, हम अतिथि देवो भव। Yes, हम अपने जो इंडिया में यही सीखे हैं कि अतिथि देव भव, कौन सा भी मेहमान आए लेकिन उनको इज्जत देनी है। हाँ वो सामने वाले के ऊपर है कि वो कैसी इज्जत लेता है, हमने उनको रेस्पेक्ट दी और वो अपने हद से जितना वो कह सकते थे। देखो उन्होंने लास्ट रिचा जी का जो जवाब दिया पेंगुइन के बारे में वो बहुत सही दिया, वो परफेक्ट, वो ही एक सही जवाब। नानी मैं समझ गई उनकी बात। हाँ उन्होंने अपने हद में रहके और नेचुरली उनके गुड फ्रेंड हैं बुक राइटर, वो सब बताया सब उन्होंने कि हम दोनों एक समझो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो उनका भी तो इज्जत रखेंगे ना। ठीक है कोई बात नहीं, हमको जो पूछना था हमने अपना मन खाली किया, बाकी सामने उनकी मर्जी है कैसे वो जवाब देते हैं, कोई बात नहीं ठीक है। गॉड ब्लेस, यही बात है ना नानी जी, कभी कभी अपने को सिंबॉलिक डेजिग्नेशंस को समझना पड़ता है। हर सिंबल के नीचे उसका मतलब नहीं लिखा होता है। और मैं ये याद दिला दूं कि हर बात में उन्होंने ये बोला कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि सचिन वाजे ने गलती नहीं की है, सचिन वाजे ने गलती भी की है और उनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो अकेला नहीं था इस गलती में, ये सब याद रखें। तो हम भी तो यही चाहते हैं। अभी जो लीना मैडम ने बोला ना, जो लीना मैडम ने बोला ना, मैं उनके साथ 100% एग्री करता हूँ कि खाली 10% वहां ध्यान दो, बाकी 90% तो सही में आपको आगे यूज करना है। और मैं तो कहती हूँ उन्होंने जो कहा ना, अगर आप ध्यान से सुनो तो उन्होंने जो कहना है वह बहुत अच्छी तरह से कह दिया है, जहाँ पे बिल्कुल सही बातें है। अगर आप ठीक से सुनोगे, आप ये मन में रखोगे कि हाँ वाजे का फ्रेंड है तो वाजे के साइड में ही बोलेगा, ये मन में रख के नहीं सुनना है। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें जो उन्होंने कही है वो बहुत कुछ मीनिंग है उसमें, और उन्होंने दे हैव सर्व्ड अवर नेशन। तो आप वो ऐसा मत कहिए कि भारत के लिए उन्होंने नहीं कुछ कहा। पुलिस बन के आप गश्त पे जाके दिखाइए अभी कोरोना के टाइम पे, इधर ये घर पे बैठ के हमें कहना बहुत आसान है धनंजय जी, मतलब दूसरे वाले धनंजय जी। तो ऐसा मत कहिए कि भारत के लिए, भारत के सर्विस में ही पुलिसमैन है, और उन्होंने पुलिस का दुख भी कहा कि खाली लकड़ी का और अभी तो प्लास्टिक का डंडा है, अगर कोई कुछ दंगल हो जाती है कुछ होती है तो पुलिस के हाथ में बंदूक नहीं है, और आप कुछ किया नहीं तो भी हम पुलिस को बोलेंगे, कुछ मारा गोली वगैरह और कोई मर गए लोग तो भी पुलिस को ही बोलेंगे। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड हम लोग भी है, तो ये भूलना नहीं चाहिए हमको, और किसी एक की गलती नहीं। और अभी आप उसी में ही अपने मुंबई पुलिस की और आर्मी की ताकत समझ लो कि ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए उनको ये मतलब 15 मिनट वो कहता है कि पुलिस और ये नहीं हो, तो हम लोग देखो क्या करते हैं, मतलब पुलिस की ताकत कितनी है इसी का अंदाजा आप लगाओ। तो ऐसा मत कहो कि भारत के लिए कुछ नहीं किया, ये वर्ड्स अपने आप वापस ले लो, क्योंकि उन्होंने दे हैव सर्व्ड अवर नेशन, तो ये कहना बहुत गलत है। और अपने पहले 1 मिनट धनंजय को
कुमार आप चेहरा तो दिखाइए, फिर बाद में बात करिए ना, थोड़ा चेहरा तो देखे बिल्कुल हम। नहीं नहीं धनंजय जी तो बिल्कुल हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं, मैं जानती हूँ। तो धनंजय जी कोई नहीं, मैं हेमा जी की बात लेना, हेमा जी नागेंद्र जी वेट कर रहे हैं, नागेंद्र जी वगैरह वेट कर रहे हैं। धनंजय जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, कभी भी अगर हमें कोई डायलॉग मिलता है ना, तो वो डायलॉग पे हमें पूरी स्क्रिप्ट पता चल जाती है, एक डायलॉग से हमें पता चल जाता है कि स्टोरी क्या है। आप सुनिए एक एक वर्ड, जब उन्होंने ये कहा ना कि भाई आपको अगर कुछ नहीं हुआ, अगर आपको नहीं सुनना है तो बैग पैक कर लो, आपका तबादला कंफर्म्ड है, तो सोचिए कि उसके पीछे की स्क्रिप्ट क्या होगी हमेशा। और एक्सप्रेशन, जब भी जिंदगी में आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, मैं हमेशा कहती हूँ इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना एक कला है, और ये कला अगर तुमको आ गई ना, तो जिंदगी में कोई भी आदमी हो, तुम किसी के भी इंटरव्यू ले सकते हो, किसी को भी इंटरव्यू दे सकते हो। आप हमेशा हर हर क्वेश्चन पे एक्सप्रेशन देखिए इंसान के, आपको पता चल जाएगा कि उनकी विडंबना क्या है, उनके हर चीज की विडंबना क्या है। मैं आर्टिस्ट हूँ इसीलिए मैं समझ सकती हूँ, एक एक समझ सकती हूँ कि जब उन्होंने मुझे हर एक एक चीज बताना शुरू किया, तो आप देखे उसके पीछे की स्टोरी क्या होगी, मतलब इतने एक एक तथ्य से बता कि देखो मैं यही कहती हूँ कि ये जितना भी ये काला खेल है ना, ये पॉलिटिशियंस का है। अगर हमने पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया ना, मैं सच कहती हूँ सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। दे आर पब्लिक सर्वेंट, बताओ उनको अपना पावर। अगर तुमने वोट नहीं दिया, तुमने टैक्स नहीं भरा ना, तो ये अर्थव्यवस्था के नाम पे एक दिन में लाइन पे आ जाएंगे, डर जाएंगे ये लोग। ये लोग अपने बच्चों को अपनी सीट पे बिठाने से पहले डरेंगे कि मेरे बच्चों को जनता छोड़ेगी नहीं। ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी वजह से पुलिस का नाम खराब हो रहा है, इनकी वजह से आर्मी का नाम खराब हो रहा है। रूपल जी, एक रूपल जी, हेलो। हाँ धनंजय जी बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं कि एक बार मैं असीमानंद जी का इंटरव्यू सुना था इंडिया न्यूज या मतलब कुछ न्यूज पे, एक आध साल पहले 2019 में करीब, कि जो वो प्रज्ञा ठाकुर और असीमानंद और कर्नल पुरोहित जो थे, उसने बता रहे थे कि हमको मतलब गुजरात वगैरह से कहीं से उनको उठाया गया था, और उनको ये बोला जाता कि तुम किसी तरह एक्सेप्ट कर लो, झूठो ही ना, यही परमवीर और सचिन वाजे का ही इंट्रोगेशन था वो उसमें। हाँ, तो उसमें बोल रहा था कि तुम किसी तरह एक्सेप्ट कर लो, हम बाकी सब बना लेंगे। तो बोले कि हम कैसे बोल दे मतलब एक्सेप्ट कर ले, हम कुछ लिंक ही नहीं है ना, किसी को हम जानते हैं ना, प्रज्ञा ठाकुर जानते हैं ना, कर्नल पुरोहित को जानते हैं, तो हम कैसे कर ले कि हम लोग सब शामिल है इस ग्रुप में। तो बोला कि नहीं करोगे, उसकी माँ को बुलाया गया, वो बुढ़ा आदमी करीब 60-65 साल का होगा, उसके बोला कि तुम्हारी माँ को सबके सामने नंगे करेंगे। तब वो सीमानंद जी बोले कि हमारा धैर्य जवाब दे गया और उनको बोलना पड़ा, लेकिन बोले कि कोर्ट तो कोर्ट होती है, वो कोर्ट में जाकर हमारी अंतोगत्वा मतलब विजयी हुई। तो मतलब ये कैसा हमारा पुलिस ब्रुटैलिटी को नकारा नहीं जा सकता है, पुलिस ब्रुटैलिटी को हम कभी भी नकार नहीं रहे हैं, और पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं धनंजय जी। पुलिस नहीं, पुलिस ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश को मतलब बर्बाद करने के लिए, देश के खिलाफ है ये। धनंजय जी उसमें कोई शक नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई दोराय नहीं, लेकिन आप ये कह सकते, आप छाती ठोक कर ये कह सकते, ये छाती ठोक के मैं कह सकता हूँ, मुझे भी मालूम है, असीमानंद जी कह सकते, कोई न्यूज चैनल वाला कह सकता है, लेकिन एक करंट पुलिस वाला या एक्स पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैटर में किसी भी कोर्ट का कोई फैसला और नहीं आया, उन्होंने बस यही कहा कि उनको पता नहीं है, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। नहीं, बस प्रोटोकॉल से बचना चाह रहे हैं, मालूम सब होगा, वाजे है तो क्लियर मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब हो सकता है, हो सकता है, हम आपकी ये भी बात मान सकते हैं। मैं और एक है मैडम, आप सबको कितना कितना मालूम है कि 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, शिवराज पाटिल को मालूम था कि अटैक होने वाला है, उन्होंने जानबूझ के 2 घंटा लेट आए, ये सब आरवीएस मनी ने आज डिस्क्लोज किया है पूरा सेशन में। तुकाराम ओंबळे जी अगर अपना सैक्रिफाइस नहीं देते, तो ये पूरा ये जो है ना आरएसएस के ऊपर
मरने का प्लान था इन सब लोगों का, फोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप और मुझे आतंकवादी कहलाए होते। बिल्कुल सचिन जी, मैं आपकी बात से मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये आज की नहीं, ये हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब जब भी देश पे हमले हुए हैं तब तक किले के दरवाजे अंदर से खोले गए हैं। तो ऐसे जयचंद और मीर जाफर लोग की कमी नहीं है। और बात रही साधी प्रज्ञा की और कर्नल पुरोहित की, ये तो एक इनका एक तरह की भगवा आतंकवाद का एक रूप देना चाहते थे इस देश में, कि देश में भगवा आतंकवाद नाम की भी कोई चीज है। तो ये तो आपको मालूम है। मैं एक और छोटा बोलना चाहता हूँ अरुण जी। अजमल साहब अपने कान में ईयरफोन रख रहा था और उसको मालूम है इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा था, कहाँ जाना है कहाँ है? हमारे इंडिया के इंडियन जर्नलिस्ट दे रहे थे। एनडीटीवी बर्खादत्त। अरे सचिन जी, बर्खादत्त बाहर आने वाले लोगों को पूछ रही थी आपको कैसा लग रहा है, जैसे कि मुंबई है कैसा लग रहा है, एक झांसा मिलेगा उसको, तो मतलब जो जान बचा के बाहर आया है तो वो पूछ रही थी आपको कैसा लग रहा है। तो इसलिए बर्खादत्त शमशान बैठ के रिपोर्टिंग कर रही है। कारगिल में भी देश की सेनाओं को बहुत क्षति पहुंचाया है। अरे सचिन जी, आप अजमल कसाब की बात करते हैं, अभी आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अजमल कसाब को 7 साल बिरयानी बैठे खिलाया आर्थर रोड जेल में, भाई कौन था ये? आपने इतना पैसा क्यों खर्चा किया उसको? एंडरसन तो उसको फांसी कर दिए जब इलेक्शन होने लगे 2014 के एंड टाइम पे, उसको आपने फांसी दी आपने, वो भी किसी को बताया भी नहीं। मैंने मतलब कौन था वो 2 करोड़ का आतंकवादी को आपने 7 साल बैठ के आपने उसको बिरयानी खिलाई उसी ताज होटल से, उसका खाना आता था? तो ये सब सोचने की बात है। ये बिल्कुल और मैं कहती हूँ मेरा थोड़ा इंटरनेट ऑन एंड ऑफ हो रहा है इसलिए। थैंक यू सो मच एक्चुअली दैट यू गॉट हिम ऑन द शो, बिकॉज इट वॉज ए गुड सेशन फॉर मी, बिकॉज आई लर्न अ लॉट फ्रॉम वॉट एनालिसिस आई डू ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। सो I really respect police officers a lot, but yes, we could clearly see that he was lying about everything, no doubt in that. But we can also understand his stand because khud apne fraternity ke upar wo kuch nahi bolne wale hain, and it is understood, it is expected from him. So, aise jo bhi humne pucha, fir bhi unhone bahut achi cheeze boli hai. Jo maybe one thing he told unknowingly, but let me point that out here. Because that's a big revelation that I'm pointing out here. He said something about Sachin was asking him about an outlier. Correct? Yes. Haan. Go and see my Anvay Nayak's analysis where I did the suicide note analysis. Wahan pe jo Arnab ka jo likha gaya hai company ka naam, usme bahut gadbad hai. Jaise wo kuch likh nahi rahe the, but kuch aur likh diye. So, wo spelling mein bahut gadbad hai. Okay, so that to me, straight out, he's giving a clue here, unknowingly. He's done this unknowingly right now. But straight out, he's giving me a clue that wo jo suicide note mein Arnab ka tha, wo jo planted tha, jo analysis mein main bolne ki koshish kar rahi hu, this gave me another feather in my cap to add it there, I should say. Lovely. Yes, he was looking for that word because Arnab ka company ka naam outlier hai. Unka to may I add a sentence on Sirish sir, I'm just saying that we got to know something unknowingly, knowingly. I think if I kind of understand body language and some psychology, you know, all that, because I study all this criminal psychology stuff, so I can pick up lot of things in his whole session. That's why I'm grateful for this session. And second one, I think he was trying to point us to Penguin for sure, but he's trying to also deflect us from Sharad Pawar, Anil Deshmukh, all these people. That is also understood by his speech. He's trying to deflect even politicians, because at a point he supported the politicians also. He said nahi nahi hum nahi bol sakte ki wo log involved hai, ye log involved hai, but then again he's also telling ki nahi, Sachin was akele bhi kaam nahi kar sakte, but in the end he put it also on someone higher up. So basically he's trying to point all to Penguin, which is good, which I think indirectly wanted to tell us anyway. So that's a good thing we learned. So yeah, so lot of things we can see
from his body thank language. You Hema, that was anywhere great. He did not put a full stop, ma'am. He did not put a full stop. He put a question mark, and that question mark, now you have to scroll it. Right. Yeah, he didn't answer about Sushant Singh Rajput case also a lot, but he never said it's a suicide. He said that the crime scene had been, like, you can always find mistakes. He said that hota hai India mein, there is India mein aisa mahol hai ki har samay mistakes ke liye bhi na jagah banai gayi hai. So that is why people are not accountable. People do not pay for their actions. Unko saza nahi hoti. So ye, there is a systemic issue and it has to be reformed. He also said that. That's why I was asking that question, to ask him like what plans or they might do. That is Dhananjay sir ne wo pucha tha question. So I was trying to stress on the same question because I wanted to know that if he thinks that there should be any plan done for police reform, because then we would have known what he's thinking. Tab hume pata chalta, jaise Dhananjay Kumar ji bol rahe hain. Because he's an expert in that. He trains police all over the world. In security things, how to manage crime scene. So one day we can call him and talk about that for sure. Yeah, basically I don't want to know the direct answer of it. I just want to ask that question because I will sometimes the answer is also not important. We raise questions that is important. So I just want Nani ji kuch kehna chahti hai. Nani ji aapka mute hai. आज अर्नब के प्रोग्राम में पूछता है भारत में अर्नब जी ने सवाल पूछा, जब हमने सीबीआई को सब एविडेंस दे दिए हैं तो फिर सीबीआई आवाज क्यों नहीं उठा रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। चलो अर्नब ने आज बोला फिर से। अर्नब को अगस्त से ही पता है, जुलाई अगस्त से ही पता है नानी जी, सब है उसके पास, उसको सब पता है। I just wanted to add to what Simple Mind said that he answered some questions diplomatically, we can say. Actually right hai, because when you are in such services you cannot declare everything and like that. So, and plus he is not in India right now, so current affairs, whatever is going on, if he doesn't have proper information he will not give his opinion. As he said, if I have information I will definitely come back and tell you the whatever. So, but already what information he had, he has spoken very, very openly about it. Again, he spoke about David Headley, he said that they were sitting in the gallery and he was being given steroid ke injections for muscle built up and all. So, ye injection or steroid or drugs ka silsila ki kaun se ghar se chalu hota hai, matlab kahan se chalu hota hai, ye to clear ho gaya. एक और बात हमें पता लग गई कि ये अभी का नहीं है, जब से दिव्या भारती का हुआ है तब से लेके आज तक बहुत करप्शन होता रहा है. एंड नॉट टू डिफेंड आपकी तबीयत कैसी है, बिकॉज वी रेस्पेक्ट देम, बट देर आर पीपल, बैड पीपल दैट हैव डन बैड थिंग्स फ्रॉम दैट टाइम. इट्स जस्ट दैट आपकी तबीयत है आउट देयर एंड वी आर सीइंग इट. या बट वी कांट से. We can't say he lied. He didn't lie. He said something. We shouldn't say that. He said whatever he knew, he frankly told us, and whatever perhaps he didn't want to tell, or he didn't want he didn't lie. I didn't find him lying. Nagendra ji, Bombay se jude hue, let's listen to Nagendra ji. Nagendra ji, go ahead. Yeah, I would say that, dekho. This is called diplomacy. Nagendra ji, zor se boliye. This is called diplomacy, actually. आ रही आवाज? हाँ आ रही है. जोर से बोलिए. देखिए, उन्होंने एक फ्रेंड का रिलेशनशिप आज बहुत अच्छी तरह निभाया, अपने फ्रेंड को थोड़े ग्रीन पॉइंट्स दिए, ओके, बट उतना ग्रीन वो है नहीं जितने उन्होंने ग्रीन पॉइंट्स दिए, क्योंकि मैं कहूंगा ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिशा मर्डर. Yes. He is also involved in SSR murder. Right, sir. And he is also involved in Hiren. This is current. Look, is he current. Also said this, that unka jo reinstatement tha, it was and like he's a miracle. And he is also involved in Arnab. Haan, Nagendra ji ko apni baat puri karne dije. Sorry, Nagendra ji, go ahead. Haan, finish kije. Unhone ek cheez bola tha, the Dupatta case, Dupatta murderer. He started it one murder. He did around 30 murders. Taste लग गया था. You have
हर्ड द स्टोरी ऑफ द मैन ईटर ऑफ कुमाऊ जिम कॉर्बेट यस 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 द टाइगर डिड वन सैक्रिफाइस उसके बाद वो मैन ईटर बन गया सेम वॉज विद सचिन बाजे ओके इनको ब्लड की लग चुकी थी लत नागेंद्र जी आई थिंक वी शुड ऑल रीड दैट बुक फॉर श्योर द सीरियल किलर बुक बिकॉज इट विल शो अस अ साइकी इनटू अ क्रिमिनल माइंड वेरी वेल एंड एंड दैट बुक इज रिटन बाय समवन हु नोस इट वेरी वेल बिकॉज नागेंद्र जी फिनिश्ड नागेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए दिस सचिन बाजे वाज द बेस्ट पॉन फॉर आवर पेनगेम बेबी Okay. Yes. He did his job perfectly well. Okay. Yeah, because अगर ये लोग legally काम करते, तो he wouldn't have been reinstated. And उनके ऊपर अभी भी केस है. This is a warning to all politicians. Don't rely on such false politicians. Don't obey the orders. They will put you in trouble one day. Okay. Yeah. So, but this policeman was diplomatic. I will say. He did his job. Yeah. He was loyal. जहां बोलते ना नमक नमक हलाल नहीं बनना उनको उन्होंने गवर्नमेंट की नौकरी की है पुलिस की नौकरी की है किसी के खिलाफ नमक हलाली नहीं की अपने नमक के प्रति वफादारी की है नमक हलाली ही की है नमक हराम ही नहीं की yeah, the word. पुलिस का जॉब बहुत डिफिकल्ट होता है बट ही वॉज नॉट ए फूल लाइक सचिन बाजे इज अ इंटेलिजेंट पर्सन देखिए उनके बातों में झलक रहा था वो बात ही वॉज एस्केपिंग एवरीथिंग बहुत लाइटली वो बातों को तो आई वॉज फूल तो वाजे नागेंद्र जी फूल तो वाजे भी नहीं है बस उसको क्या ओवर कॉन्फिडेंस है वो चल बसा वो उसको लगा कि अपनी सरकार है बोलते ना वो सही है भाई कोतवाल तो डर का है क्या उसको लगा कि सब कुछ अपने पास ही आने वाला है तो और बात रही और लवली जी बात रही मैं कब से बोलता हूँ मैं आपको कि जहां बात आती है पॉलिटिशियन की सब चुप बैठ जाते हैं अभी आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल गवर्नमेंट से 8 प्लांट लगाने के दिया था पैसे ऑक्सीजन के उसमें से उन्होंने सिर्फ एक ही प्लांट लगाया आज दिल्ली में लोग मर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है अरविंद केजरीवाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए सीबीआई को भेजे इनकम टैक्स को भेजे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करें पर करेंगे नहीं क्योंकि वो एक नेता पापा पेंगुइन ने भी यही किया पापा पेंगुइन ने प्लांट लगाने के लिए बोला सेम गोस फॉर उद्धव ठाकरे आल्सो पर करेंगे नहीं करेंगे क्यों क्योंकि वो लोग नेता हैं पॉलिटिशियन है कि भाई उनसे पूछो कि हमने कुछ पैसा दिया तो वो पैसा कहाँ गया मैं एक बात बताऊं आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं समीर जी के साथ 1 घंटा मैंने बात किया था वी हैड टॉक अ लॉट हालांकि वो सब बातें नहीं बताऊंगी लेकिन उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया मुझे उन्होंने ये पूछा कि वेयर आई एम लैकिंग यू टेल मी मैंने बोला नो सर यू आर नॉट लैकिंग एनीवेयर आई अरेस्टेड एवरीवन आई अरेस्टेड रिया आई अरेस्टेड भारती आई अरेस्टेड एवरीवन माय वर्क इज फिनिश्ड मैंने दबोचा मैंने सब किया मैंने कोर्ट में डाल दिया नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर मेरा काम खत्म हो गया वेयर आई एम लैकिंग I said, you're not lacking anywhere where I'm saying you're lacking. He said, the problem is our Indian law, our Indian court law, मुझ पे हमला करके law उनको छोड़ दिया. मेरी क्या गलती है? He is right. He asked me this question and I was shattered. I said, I didn't told you that you're lacking or something, you're doing a good job. He said, you tell me where... मेरा काम है ड्रग्स मेरे को जो काम मिला है ड्रग्स को पकड़ो बंदे को पकड़ो कोर्ट में डालो लेकिन आफ्टर दैट व्हाट वो छूट जाता है वो 15 दिन का एक विशेष साइकिल है रूपल क्या करें क्योंकि इन लोगों के पास इतने महंगे इतना पैसा इज एट स्टेक इतने महंगे मैं ऐड करता हूं समीर सर ने मुझे क्या बोला था समीर सर ने मुझे इस पे बोला था देखिए अरुण ये जितने भी क्राइम्स है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये इसमें बेल मिलना ही चाहिए तो आप समीर सर ने मुझे कहा ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसकी और इसके लिए ही हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और यह चक्रवर्ती जैसे लोग उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला उन्होंने उन्होंने कहा मुझे डर नहीं किसी का और, हा,
और हमारे यहाँ ईमानदार अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इतने ईमानदार अधिकारी बैठे हैं जो अपनी जान पे, मैं बता दूं आप लोगों को, मैं सच कह रही हूँ, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं ना जो 15-15, 20-20 लाख के वकील कर रहे, 50 लाख के, ये लोग मरवा भी सकते हैं किसी को भी, काट भी देंगे, गोली भी मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है कितना रिस्क लेते हैं ये लोग? उनको तो फुल सपोर्ट सेंटर, जो भी अधिकारी है, कोई भी अधिकारी हो, वो आपने उन अधिकारी की बात सुनी थी जो हमारे यहाँ पे सिंह सर आए थे, पता है उनको किस तरीके से थ्रेटनिंग किया गया था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि तू किसी का भी आदमी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तू भर पैसा, 2 लाख रुपया तेरा शूटिंग का पैसा है वो भर, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, ये होते हमारे। लेकिन फिर क्या हुआ, उनका उनको सिस्टम से निकाल दिया, तबादला हो गया, मतलब उनको हटा दिया। ये इससे गंदा, मतलब इससे गंदा स्टैंप ना कोई नहीं हो सकता है कि तुम ईमानदार हो लेकिन तुम्हारे ऊपर सिस्टम लायक नहीं हो। इसमें मैं और एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जो सलमान खान का बॉडीगार्ड जो पुलिस में था, रविंद्र पाटिल, उसने हाँ उसने वहां जाके वो विटनेस था, उसने कहा था कि हाँ जो सच है उसने कहा था, लेकिन उसको, वो पुलिस में था तो उसको कैसे मरवाया, किस पुलिस, मतलब कैसी हालत की उसकी, वो सब लोग जानते हैं। तो मतलब सच का साथ देने वाले को क्या कर देते हैं ये लोग, तो पुलिस, एक पुलिस को हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसकी जैसे रूपल कह रही थी उसकी जड़े और उसकी शाखा है या उसका जो मेन थिंग है वो कहीं और है, और ये खाली प्यादे है जिनका यूज ये सब लोग करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई ने अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने तो अच्छे के लिए स्टेटमेंट दिया है, लोगों के जागरूकता के लिए स्टेटमेंट दिया है, अब आप मुझे बताना कि नवाज भाई की कौन सी पिक्चर रिलीज होगी, मेरे को बता देना आप। नहीं तो अभी तो उनके खुद के भाई ने उन पे अटैक किया, उनके खुद के भाई ने उन ट्विटर पे उन पे अटैक किया। नवाज भाई को अगर कल उठ के इन लोगों ने उस कदार पे लाके खड़ा नहीं कर दिया ना कि ये डिप्रेशन में है, ये सुसाइड करेगा, इसके पास पिक्चरें नहीं है, देख लेना आप लोग, वो बंदा बहुत सही बोला है, आज का दिन लिख के ले लो, मेरी बातें लिख के ले लो आप। मैडम इसका सोल्यूशन एक है कि आप इन बॉलीवुड के भांडों को कंप्लीटली बॉयकॉट कर दो। वो कौन करेगा? जनता, सुप्रीम कोर्ट, जनता करी रही है। जनता कौन है? आप और हम है, जनता कौन है? आप और हम है। अरे हाई कोर्ट को लिखो कि भाई तूने इसको कैसे छोड़ा, हु आर यू, हम जनता बोल रही है इसको सजा दो, सिस्टम बोल रहा है, अधिकारी बोल रहे इसको सजा दो, तूने कैसे छोड़ा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मिले हुए साले, एक एक जज मिला हुआ है, एक एक जज पैसा ले रहा है, क्यों ले रहा है? पापा पेंगुइन 55,000 देते हैं मैडम एक जज के स्पेक्टिकल्स के लिए। अब जो लीना जी और नानी जी पहने हुए ना चश्मा, उसको 55,000 देते हैं एवरी ईयर पापा पेंगुइन जजेस को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा मुझे मुझे एक पूछना था, क्योंकि सब लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे मेरे से ज्यादा, तो ये कल कुछ सलमान खान का हियरिंग था ना, उसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का कुछ 27 अप्रैल, अभी तक क्या हुआ? उसका हियरिंग पढ़ा था, उसका हियरिंग रहेगा भी तो राजस्थान में रहेगा, और वहाँ के लोग तो कोर्ट बोले कि भाई आपको नहीं 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 नहीं, 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 नहीं सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, बट आई थिंक वो ये कोविड सिचुएशन के चलते कोविड की वजह से फिजिकल अप्रेंस नहीं होगा उनका। या आई थिंक नहीं नहीं, वो कोविड केस अभी सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आरवीएस मनी जी को बुलाइए आपके शो में। श्योर, उनके शो में आए थे। हाँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं रूपल जी को उनका कांटेक्ट नंबर भेज दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, श्योर। हाँ रिचा बोलिए, गो अहेड। और उनका अपना खुद का चैनल है, उसमें सारी डिटेल भी है, अगर बजा देती तो अच्छा रहता। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज, दैट वाज ब्यूटीफुल लीना, थैंक यू फॉर suggesting that link. और मैं एक जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।
तो एडवोकेट शरण जी कह रहे थे वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक शेयर किया है एडवोकेट शरण जी। This was amazing. I mean, I'm feeling very positive after listening. बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। Yes. और एक बात देखते देखते वो चित्र राक्षसों की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि याद दिला दूं क्योंकि टाइम तो एक्चुअली खत्म हो गया था। रिचा मुझे झलक भी दिखी, मुझे हनुमान जी की थोड़ी झलक भी दिखी और मेरे मन में क्या आया वो जो लंका जलाने का सीन और लंका जलाने का जो दिखा रहे थे ना और सामने हनुमान जी, तो मुझे लगा तो सर्जिकल स्ट्राइक तो तभी किया था हनुमान जी ने। मुझे तो झलक दिखी शायद वेरी पॉसिबल। मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा कंपैरिजन आ गया, जैसे अर्णब गोस्वामी इज द हनुमान हियर। यस और हमारे जो एनसीबी के चीफ है वो सुग्रीव साइड, और जो सेवियो रेड्रिक्स है वो अंगद है। Yes. Wow. सही नागेंद्र जी, सही कंपैरिजन किया आपने। रावण कौन है? हमारी विभीषण। रावण कौन है पूछ रहे हैं? मैं विभीषण हूँ। रावण के 10 मुख हैं, 10 तो तेरे हैं। सीता कौन है ये बताइए? एक्चुअली रावण महेश भट्ट है। सीता कौन है? कितने सारे नहीं पता। सीता नहीं पता। सीता भारत की अस्मिता है। सीता है भारत सीता जो और हिंदू धर्म की अस्मिता। हाँ सीता सुशांत, सीता तो यहाँ सुशांत थी। चलिए बिल्कुल रावण उठा के ले गया था बिल्कुल जी। तब नहीं सीता रावण जी नहीं, महेश भट्ट वो है जिसने कई कई का दिमाग खराब किया था। एक बूढ़ी औरत थी जिसने राम के खिलाफ कई कई को भड़काया था, वो महेश भट्ट। पर रिया yes. कौन है मालूम है? शूर्पणखा। आज तो सब लोग आज कमेंट सेक्शन में भी यही शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच कि हमने आपका फीडबैक लिया। और मैं हमेशा ये बोल दूं कि देखिए हम लोग सब एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है और उसमें कोई बात नहीं है। वी हैव टू लर्न टू डिसअग्री रिस्पेक्टफुली विथ ईच अदर, लेकिन हम सबको पता है कि मूवमेंट में सबको जस्टिस चाहिए। और आई एम रियली वी शुड बी प्राउड कि हम इतने अलग अलग देश के कोने कोने से, पूरी दुनिया के कोने कोने से जुड़े हैं और मतभेद होते हुए भी हम सीख रहे हैं कि हम साथ में मिलके लड़ेंगे और साथ में रहेंगे। मतभेद होते हुए भी मन भेद नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सबका गोल एक ही है, जस्टिस। और ये क्या कम है कि हम सचिन बाजे के दोस्त को भी यहाँ ले, ये क्या कम है कि आज की इतना इंक्वायरी के टाइम पे जबकि इतना सब कुछ हो रहा है तो भी वो आए और हम उन्हें ले आए। हाँ चाहे जो भी हो आए ना, बस खत्म हो गई बात। तो ये हमारा डेयरिंग है, ये तो हमारी और उनका भी बड़प्पन है कि वो आए। सबसे बड़ी बात चाहे होना चाहिए, हाँ स्क्रीन पे है चाहे बैक स्टेज में है, वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल विथ आवर गेस्ट। बिल्कुल अलग होते हैं। एक छोटी सी बात और बोलता हूँ। हाँ नागेंद्र जी, हनुमान जी को राम जी भेजते हैं रावण के पास वार्निंग देने के लिए, खुद सरेंडर करोगे या गदा पढ़ने पे सरेंडर करोगे। आज हनुमान जयंती के दिन रावण को हनुमान जी शायद सिग्नल दे रहे, आप खुद आओगे अपना गिल्ट स्वीकारोगे या गदा की खाने के बाद स्वीकारोगे। बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और रावण कौन है ये बताने की जोक देना चाहता हूँ। ब्रेकिंग जोक जो कल हुआ था, मतलब अभी तो 12:30 क्रॉस हो गए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो कल की ब्रेकिंग जोक ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रोब अगेंस्ट परमवीर सिंह फॉर करप्शन चार्जेस। हाँ पर वही तो मैंने कहा ना, हो गया उस पे बड़ा जोक हो गया। हाँ क्राइम भी हम ही करे, हमने ही सब कुछ, माजे कुटुंब माजी जिम्मेदारी, तो क्राइम भी मैं करूँ, मर्डर भी मैं करूँ, सब कुछ मैं करूँ और उसका अभी इन्वेस्टिगेशन भी मैं ही दूँ जैसे उन्होंने अपने सुपुत्र के लिए किया था। तो शायद मेरा बेटा ने कुछ नहीं किया, मैंने क्लीन चिट दे दी। इस जांच कमेटी का हेड बना दे अनिल देशमुख को तो और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बैठे हैं,
ये मतलब ऐसा हुआ कि मैं आग लगाऊं और मैं ही फोन करूं आग बुझाने वाले को, क्यों रे इधर आग लगी है। लेकिन उसके खिलाफ जो भी जांच के आदेश दिए गए हैं वो हमारी जीत नहीं है, वो हमारी हार भी नहीं कह सकता, लेकिन ये हमारे हर्डल हर्डल ही बोलते हैं उसको, इट विल बी अ हर्डल इन अवर वे। सीबीआई की जांच में ये लोग हर्डल करेंगे इसको। 90% बचा के रखिए, वाजे वाजे मत करिए, वाजे वाजे कुछ नहीं है, 90% है वो उधर ही है अभी तक, वो राजा अपने किले से बाहर नहीं आ रहा है, वो प्यादे नचा रहा है, तो हमें राजा नच रहा है ना, वो फेसबुक पे चला रहा है ना। वो चेस में होता है ना, प्यादे मारने से कुछ नहीं होता है, चेकमेट होना चाहिए। राजा को मारो। चलिए फिर आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, आपके लिए भी दिन बदल गया, 12 से ज्यादा हो गए हैं, और कल फिर मिलेंगे, और कल फिर हम लोग इसी पे बात करेंगे और सब मिले रहेंगे। हमेशा ये बात सबको याद दिलाती हूँ कि डिसअग्री रिस्पेक्टफुली, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, इस मूवमेंट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ओके, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड बॉयकॉट बॉलीवुड। आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग सच अ वेरी नाइस सेशन। जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। बिल्कुल, पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली की जय।